हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी यूज हुआ है इसमें, और आपको लगेगा कि यह एडिशन रिएक्शन है, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस में पूछा गया था 2022 में सेप्टेम्बर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक एक स्टेप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, और जो भी इससे रिलेटेड बातें होंगी, जैसे रिएजेंट क्यों यूज किया, कौन सा कार्बोकटान बनेगा, क्यों इसको तोड़ा, मतलब सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन वो करिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है ना। एक ही वैरायटी के क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अलग अलग वैरायटी का करो। और इसमें रीअरेंजमेंट भी हुआ है, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। भाई जब ब्रेक करेगा, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तभी तो वो अनस्टेबल होगा, और तभी तो उस पर कोई अगला इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट आएगा जो उसको अटैक करके स्टेबल बनाएगा। तो पहला स्टेप यही होता है कि डबल बॉन्ड, ये जैसे हमको H2O दिखा यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिखा, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड, और हीट भी गिवन था दोस्तों, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो डबल बॉन्ड ब्रेक एक इस तरीके से हो सकता है और एक इस तरीके से हो सकता है। इसको हमने नाम दिया ए और इसको नाम दिया हमने बी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो, हमने अगर ए तरीके से तोड़ा तो हमारा कार्बोकटान कहाँ बनेगा वो देखना। देखो, एक एक चीज़ बताएंगे, पेशेंस रखो बस। देखो, अगर ए तरीके से हम ये ए तरीके से तोड़े तो हमारा कार्बोकटान बनेगा, जो हाइड्रोजन को हम नहीं बना रहे ना, वो तो आप अंडरस्टूड है। तो कार्बोकटान हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, आप कहोगे सर कार्बोकटान यहाँ पे ऐसे क्यों बना दिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो हमारा ये कहता है, अगर एरो ऐसे चला तो जिधर ये एरो का साइन होता है उधर नेगेटिव आता है, उसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो अगर एरो हमने ऐसे चलाया तो इधर आगे आया होगा नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आया होगा तो नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव को दिखाया नहीं है, और पीछे आया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को लिख दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है, ध्यान देना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम बना के आपको बताते हैं, अगर ऐसे तोड़ेंगे तो हमारा कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, देखो। अब प्रोडक्ट नहीं, मतलब कार्बोकटायन, देखो हमारा कार्बोकटायन इस बार हमने ऐसे, यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे तोड़ा तो टेल पार्ट ये है, आगे का साइड ये है, तो यहाँ कार्बोकटायन बनेगा। अब बात आती है कि सर हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, बात समझ रहे हो आप, कि किसको लेके हम आगे बढ़ेंगे सर। तो ध्यान देना दोस्तों, ये वाला कार्बोकटायन जो है ना दोस्तों, ये वाला कार्बोकटायन 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकटायन 2 कार्बन जुड़ा है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये कार्बोकटायन 1 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। और कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। तो हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो इसलिए हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, बात समझ रहे हो। अब हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या कराएंगे, हीट गिवन था, तो हीट अगर आता है तो एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है, मतलब हाँ 95% एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कार्बोकटायन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो अगर 5 मेंबर रिंग है उसके जस्ट बगल कार्बोकटायन है, क्या है कार्बोकटायन, देखो ये 5 मेंबर रिंग है उसके जस्ट बगल कार्बोकटायन है, तो वो रिंग क्या होना चाहेगा, 5 से 6 में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग की ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, बात समझ रहे हो। और अगर मान लो अगर 4 मेंबर रिंग है उसके ऊपर कार्बोकटायन है तो वो 3 मेंबर रिंग में होना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेन रिलीज होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई 4 से 3 हो गया, जैसे 4 से 3 वाला ऐसे केस बता देते हैं, ऐसे 4 मेंबर रिंग है उसके ऊपर कार्बोकटायन दिख गया, तो और 5 मेंबर है तो 6 में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है, बाकी जनरली यही आते हैं। तो अब ध्यान देना, अब इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, एक्सपेंशन, मतलब रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है ना, 5 से 6 में जाएगा। तो होता क्या है, ये कार्बोकटायन हमारा उठ के यहाँ चला आता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ऐसे था, ऐसे ऐसे, और ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होके कहाँ, इस कार्बन से जुड़ा, यहाँ कार्बन से, बाकी जो मिथाइल था हमने उसको ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और हमारा क्या था, कार्बोकटायन हमारा जो था वो उठ के हमारा यहाँ चला आया, ध्यान देना, कार्बोकटायन उठ के हमारा यहाँ चला आया, बाकी उसको हमने ऐसे जोड़ दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे लो अगर डाउट है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 पे हमारा 1 मिथाइल भी लगा था, तो हमने मिथाइल को भी लगा लेते हैं, कोई डाउट।
तो अब इसको आप और हम डार्क कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। बात समझ में आई इतनी? अब अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अगले स्टेप में यहाँ पे ये कार्बोकटायन कितने डिग्री कार्बोकटायन है, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, 6 ऐसे बनाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में, 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, ठीक है? तो एक मिथाइल यहाँ लगा था, यहाँ पे कार्बोकटायन था, और इसके बगल वाले कार्बन पे हमारा एक मिथाइल, ये मान लेते हैं ये लगा था, ठीक है ना? नंबरिंग कर लेना, वो तो डाउट नहीं है, ठीक है, कहीं भी मान लो। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी हमारा कार्बोकटायन क्या है, ये कार्बोकटायन हमारा 3 डिग्री है, तो आगे रीअरेंजमेंट की अब पॉसिबिलिटी बनती नहीं। रीअरेंजमेंट इसीलिए कराया जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो देखो CH2 EH है, हम बनाते हैं इसलिए हाइड्रोजन को बना के दिखाते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कार्बोकटायन के बगल वाले हाइड्रोजन को हम दिखा रहे हैं क्योंकि एलिमिनेशन बगल वाले से ही होता है। तो अब हमारी 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है, देखो, या तो हमारा ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, एलिमिनेशन करा ले, तो हमारा प्रोडक्ट कौन बनेगा, देखो कौन सा मेजर बनेगा, मेजर बनाना है, ये डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे ये जो था ऐसे हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, या तो हमारा ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाए, तो वो भी हम बना के दिखा देते हैं आपको, लेकिन मेजर कौन होगा ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी बताएंगे मेजर कैसे देखते हैं। तो हमारा ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बात समझ रहे हो? तीसरी पॉसिबिलिटी, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हमारा तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ ऐसे बनेगा, बाकी 2 मिथाइल थे। अब देखो यहाँ पे कौन सा मेजर हम है, कौन सा मेजर मानेंगे, तो जहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, वो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, एल्कीन के केस में ये देखना, क्या एल्कीन के केस में? अब कोई कहेगा सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही हम नहीं पहचानना जानते, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल कार्बन कौन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये पड़ोसी कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है टोटल गिनो, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 2, 3, 2, 5, 1, 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ काउंट करो, यहाँ पे 2, 2, 4, 4, 3, 7, 3, 10 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2, 4 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेशन। मैंने दोस्तों अगर हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें बेसिक प्रॉब्लम हो रही हैं स्टेबिलिटी देखने में, तो GOC मैंने पूरा पढ़ाया है बेसिक से, तो आप GOC के लेक्चर देख लेना, आपको कभी भी जो अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है? और कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों, ठीक है? बाकी मैंने अब बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ गलती होती है छोटी मोटी तो आप पूछना, ठीक है? ओके दोस्तों, थैंक यू।